खबर शामिल करते हैं नारवाल से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद उस्मान शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज अब्दुल रहमान ट्रस्ट नारवाल के जेर है तमाम पाक फौज के सहारे यकजहती के लिए एक रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के मौजूदीन वकला बरादरी, ताजर बरादरी, मजहबी और दीगर तंजीमों ने शिरकत की। रैली की क़यादत हाफिज अब्दुल रहमान ट्रस्ट के सदर आबद महमूद भट्ट ने की। इस मौके पर आबद महमूद भट्ट ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों की जुबानें खींच ली जाएंगी। ट्रस्ट के चेयरमैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जर्मनी के चेयरमैन हाफिज अब्दुल रहमान ने टेलीफोन पर अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि इमरान नियाजी पाक फौज और दूसरे इदारों के खिलाफ नाजायज़ नफरत अंगेज़ और मुल्क में बदमनी फैलाने के हथकंडों से बाज रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान हर रोज़ कोई ना कोई नया झूठा ढंडोरा पीट कर नौजवानों को गुमराह करके अपने 4 साल करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम इमरान नियाजी और इनके टोले को पहचान चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगी। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ HD न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़।